अरे कोरोना कोरोना, अरे कोरोना आ गया, मैं मर गया, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अबे टिंकू चल उठ, उठ। अरे अरे मम्मी आप, कोरोना आ गया है, मुझे बचा लो। करीना वो पड़ोस वाली लड़की, वो क्यों आएगी यार और इतनी रात में, क्या चक्कर चल रहा है तेरे उसके साथ? अरे मम्मी करीना नहीं, कोरोना वायरस है। ओहो करीना सियारस, वो शर्मा जी की बेटी, वो तो लंगड़ी है, वो कैसे आएगी यहाँ? गूंगी भी है, एक कान नहीं है उसका और एक आँख से देखती है, उसका जुबान तो उसका बाप खींच लिया, वो लड़की तेरे को कैसे पसंद आई है? अरे मम्मी वो लड़की नहीं। अच्छा अब पता चला, वो डेली अपने गार्डन में खड़े होकर सूसू करती है, तब पता चला है वो लड़की नहीं लड़का है। अरे मम्मी वो लड़का नहीं है। अच्छा वो लड़का भी नहीं है, अब पता चला वो इधर उधर वाला नहीं है। Oh, no. तो तेरे को क्या काम है रे उससे, बोल। हे भगवान, अरे मम्मी मेरा बात तो सुन लो। पहले ये बोलो करीना कौन है, वरना चड्डी खोलकर तेरे सिगरेट में आग लगा दूंगी। अरे मम्मी मुझे करीना नहीं, मुझे सपना आया था। अच्छा वो गुप्ता जी की लड़की सपना, जो लड़कों का अंडरवियर चोरी करके उसे गुलेल बना के सबको मारती थी, वो लड़की? शर्म करो, वो उस लड़की की तो शादी भी हो चुकी है, उसके बच्चे तेरे जैसे हैं। अरे मम्मी मैं नींद में सपना देख रहा था, डर गया। अच्छा डरने वाली शकल तो तेरी है, तेरे बाप के जैसे, तेरे शकल देख लेना तो कोरोना वायरस को भी कोरोना वायरस आ जाएगा। अरे मम्मी मैं तो आपका लाडला बेटा हूँ, आपका जीरोक्स कॉपी हूँ। चलट जा सो जा, कल सुबह तेरा और उस करीना का खेल खत्म कर दूंगी, जैसा बाप वैसा बेटा। अरे डार्लिंग क्या हुआ, इतना सुबह सुबह कॉल किया? मैं तो खुद ही कॉल करने वाला था बट तुमने कॉल कर दिया। बोलो मेरी प्यारी जाने मन। टिंकू तेरे से अर्जेंट बात करनी है, मेरे घर पे आ जाओ ना प्लीज। ओ अच्छा मुझे अब पता चला घर में कोई नहीं है ना। जल्दी आओ ना टिंकू, तेरे से एक बात बोलनी है। अच्छा अच्छा मुझे भी एक बात करनी है तेरे से, एक मिनट में आ जाऊंगा। अरे टिंकू तुम आ गए हो। अरे डार्लिंग बोलो क्या बोलना है, आई लव यू तो डेली डेली बोलती हो ना, आज क्या स्पेशल है? हाँ टिंकू आज कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। अरे बातें तो होती रहती हैं, पहले तो एक मुआ दे दो, बाद में बातें करते रहेंगे। अरे टिंकू नहीं। अरे इतना क्या चिल्ला रही हो, मैंने चुम्मा मांगा है, तुम्हारा जायदाद थोड़ी ना। नहीं नहीं मुझे कोरोना वायरस आया है। अरे यार उसमें डरने वाली क्या बात है, रात में मुझे भी कोरोना वायरस आया था। हाँ हे भगवान, हमें दोनों को वायरस भी शेयर कर दिया ताकि हम दोनों से एक साथ जी सके। अरे सुनो ना, पहले मेरा चुम्मा दे दो, बाद में बातें करेंगे। हाँ एक टाइम पे ना जो तूने कहा है वही हो रहा है, जीना है तो एक साथ, मरेंगे भी एक साथ। अरे डार्लिंग अगर चुम्मा नहीं दिया ना तो मैं यही मर जाऊंगा। अरे नहीं यार, अब तो अपन दोनों को कोरोना वायरस आया है तो दोनों एक दूसरे को चुम्मा करके दोनों मर के स्वर्ग जाएंगे। अरे हाँ क्यों नहीं, एक चुम्मा बस है, फिर तो डायरेक्ट स्वर्ग दिखेगा मुझे। हाँ ठीक है चलो चुम्मा ले लो। अरे वाह कितना सुधर गई है तू। वाह अरे चुम्मा था या च्यवनप्राश, पूरी जिंदगी जी जाऊंगा इसी चुम्मे के सहारे। लेकिन अफसोस है कि यही अपना चुम्मा आखिरी हो सकता है। अरे क्यों, अरे अपन शादी करेंगे और जिंदगी में मजे करेंगे। और कौन सा मजा, अपन दोनों लोग को कोरोना वायरस आया है, दोनों मिलके मरने वाले हैं,
फिर भी तेरे को दुख नहीं हो रहा है? अरे बाबू, वो तो सपने में है ना, सच तो थोड़ी ना है। क्या तेरे को कोरोना वायरस नहीं हुआ है? अरे आया था, बट सपने में, रियल लाइफ में थोड़ी ना आएगा। अरे क्या हुआ, इतना टेंशन में क्यों दिख रही हो, जैसे सच में कोरोना वायरस आया है। हाँ, कल मुझे रात में ही पता चला। व्हाट, क्या पता चला? मुझे कोरोना वायरस आया है। अरे क्या कहा? हाँ, मैं कोरोना वायरस की पेशेंट हूँ। हे भगवान, इससे अच्छा है कि मैं अपना मुंह गटर में डाल दूं। अरे इस चुड़ैल को चुम्मा ले लिया है। क्या कहा? चुड़ैल? पहले तो चांद का टुकड़ा कहा करते थे और अब चुड़ैल? हट, कोरोना वायरस की कजिन सिस्टर दिखती हो तुम एकदम। पता है छोटे बच्चों को तुम्हारी शक्ल दिखा दे, जिंदगी भर के लिए वो डर जाएगा बच्चा। तू अपना मुंह देख पहले। अरे मेरा नहीं, तू अपना मुंह देख ले, सूखे हुए टट्टी जैसा मुंह है। व्हाट, कल फोन पे क्या कहा था? कल फोन पे तूने कहा था कि मम्मी जितना प्यार देती है उससे ज्यादा प्यार करीना तू मुझे देती है, यानी कि तुम्हें मम्मी से ज्यादा प्यार करती थी तुम्हें। अरे तू ना सकल जाके देख ले आईने में, आईना खुद खुशी कर लेगा तुझे देखकर। तो मेरे से प्यार नहीं करते हो? अरे अरे अरे, प्यार तो है लेकिन मेरे को नहीं, कोरोना वायरस को है, इसलिए तो वो तेरे को लिपट गया है। अब मैं जाके एडमिट हो जाऊंगा हॉस्पिटल में। अबे टिंकू, अब तेरे को ही नहीं तेरी फैमिली को भी होगा कोरोना वायरस, पता चलेगा तब तुझे मेरा पावर। अबे ओए सुन, इट्स हर चॉइस, और तुझे मेरा सांप लगेगा। अरे चल हट, मेरे फैमिली को नहीं, तेरे पूरे फैमिली एक नंबर का चोर है। तेरा बाप सुलभ शौचालय जाता है और आधे पैसे देता है, बोलता है टट्टी साफ नहीं हुआ, और बोलता है कि हैंड वॉश तो घर जाके कर लूंगा मैं। और तेरी मम्मी, वो मम्मी कम और इजिप्ट मम्मी ज्यादा लगती है। और तेरा भाई रात के टाइम पे गर्ल्स हॉस्टल जाके उनके अंडर गारमेंट चुरा के दिन में पतंग बना के उड़ाता है। और तेरी बहन, उसके लिए मैं क्या बोलूं, तेरी पदौड़ी बहन बाद बाद के घर के कुत्ते को मार दिया है, और पड़ोस वाले कुत्ते बाकी तड़प तड़प के मर गए, बाकी भी आस पड़ोस के लोग घर खाली करके जा रहे हैं। और बस यही नहीं, अपने सासू माँ को भी मार दिया, अपने ससुर को भी मार दिया। वो तेरी बहन है या मच्छरों पे धुआं डालने वाली मशीन? दिन भर पांती रहती है, पांत पांत के पूरा सड़क पर धुआं धुआं मचा दिया उसने। अरे सड़क तो दूर, ऊपर आसमान में बादल बने बने दिखते हैं। तेरी बहन पदौड़ी इतनी पाद पाद के पाद पाद के, एक काम कर तू जा, तू उसे दो मास्क दे दे, एक उसके मुंह पे लगा देना, एक उसके पीछे लगा देना, और तू उसके संपर्क में आ जा। जब उसके संपर्क में तुम आ जाओगी ना, तो तुम्हारा कोरोना वायरस दूर हो जाएगा। उसने इतने बड़े बड़े जानवरों को मार दिए, तुम्हारा कोरोना वायरस ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, उसका भी खेल खत्म हो जाएगा।